Yo guys, welcome back to React Bros. मेरा नाम है निखिल और ये मेरे दोस्त अभिनव. Hello guys. तो guys, जिसने अभिनव को नहीं देखा तो जो पहली बार देख रहा अभिनव को मैं बता दूं कि मैंने इसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया पिछली वीडियो में जो लेटर टू सिद्धू सनी मार्टिन के गाने में रिएक्ट किया, तो वो वीडियो जाके देखो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो वीडियो पक्का देखना. बाकी सिद्धू भाई के जो गाने थे, काफी गाने थे जो रह गए थे जिसमें मैंने रिएक्ट नहीं किया था. आखिरकार चैनल जो था वो 2.5 साल से बंद था और 2.5 साल के बाद चैनल अब रिवाइव होने जा रहा है. तो सबसे पहले मैंने सुना भाई, सोचा कि सिद्धू भाई के गानों पे रिएक्ट करें. तो आज हम गाने रिएक्ट करने वाले हैं वो है लेवल्स बाय सिद्धू मूसेवाला एंड सनी मार्टिन. जो मेन बात यह है कि मेरे को ना पता नहीं है कि क्या सीन था क्या नहीं है, लेकिन अब छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता जो सनी मार्टिन सिद्धू भाई के बीच में था सीन. तो अब वो फिलहाल वो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, जहाँ तक मैं इंस्टाग्राम पे भी देखता था और हर जगह मैं फॉलो करता था. तो सनी मार्टिन का जो नया गाना आया था उस 5 महीने पहले लेवल्स, तो इस पर हम रिएक्ट करेंगे और देखते हैं क्या रिएक्शन आया. बड़ी जनानी वांगूनी सारे मैं थोड़ा टेंशन मांगता है नहीं. ये कौन है? कौन सा? ये जिसके बड़ी बियर्ड है ऐसे. बियर्ड वाला कौन सा? बड़ी जनानी वांगूनी सारे मैं थोड़ा टेंशन मांगता है. ये बियर्ड वाला फ्रेंड होंगे शायद, कोई मेरे को नहीं पता. पहली बार देखा मैंने की फ्रेंड होंगे. अब फ्रेंड ऑब्वियसली आई जाते हैं फीचर करने. अब मैं कल को कोई गाना निकाल दूंगा तेरे को तो गुस्सा ही लूंगा ना कि हाँ भाई फीचर कर ले गाने में. गुस्सा ही लूंगा मैं तो. नाचता तो बहुत अच्छा तू वैसे. यार तू देखता यार यही बोलने वाला था मैं. एडिटिंग पंजाबी इंडस्ट्री में काफी सिंगर हैं, लेकिन यार इनके ऐसा जो म्यूजिक डालता ना, चाहे बिग बर्ड हो गया, सिद्धू मूसेवाला हो गया, भाई करण ओजला के भी किसी किसी गानों में काफी सही तरह का म्यूजिक होता है, लेकिन सिद्धू भाई के जो गानों में म्यूजिक होता है ना, और वीडियो अगर देखा जाए तो वीडियो की एडिटिंग यार मतलब अलग ही लेवल की वीडियो बनती है. सेम है ना, ऐसा इंटरनेशनल लेवल की वीडियो. और भाई एक बात तो है ये भगवान उसको खुद ब खुद ऊपर उठाता यार, तो काफी लेवल तक गया ये बंदा. लेकिन चलो पिछली वीडियो में ये सेम बातें बोली है यार, तो रिपीट करके ना अपना इंसान का ना एक तरह से ना मन खराब होता है. तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं. नाइकी के जो होते ना, ये डियोर नाइकी के हाई एंकल ये सब वो तो सही अल्टीमेट लेवल के स्नीकर्स हैं. मैं इतना बड़ा स्नीकर हेड नहीं हूँ बट सही लगता है. मेरा लेना पड़ा था मेरा आज ही तेरी फोटो खींचूंगा.
like who else you really know that be setting the bar. They just dropped a couple songs, but they think they're a star. We don't run from competition, we don't run from the law. If you trying to level up, I'm the one that you call. I just do this for the love, I don't do this for the bag. They said meet me at the top, I looked around like where y'all at. Pardon if I laugh, fuck you if you mad. I could lose everything and still double what you have. ये ड्रॉप है गाने में, ये बहुत जबरदस्त ड्रॉप है इस गाने में। काफी बैक लगी है वो कैसे पता है, ये इस बंदे ने कम से कम यार 20-25 साल आगे कर दिया था यार। अगर देखा जाए कौन था पंजाबी इंडस्ट्री में इस लेवल का बंदा है, काफी है जैसे दिलजीत दोसांझ है, ठीक है ना, लेकिन जिस तरह का इसकी फैन फॉलोइंग था बाहर, खास कर यार अंग्रेज, ड्रेक यार, ड्रेक किसी जने खाने को फॉलो नहीं करता, ड्रेक इस बंदे को फॉलो करता था। सिद्धू मूसेवाला जब ये सब जो सीन हुआ उसके बाद ड्रेक ने स्पेशली अपने किसी कॉन्सर्ट में बोला था सिद्धू भाई के बारे में और स्टोरी टेल डाली थी उसने कि रेस्ट इन पीस और आगे मूज लगा, मूज होता ना वो बर्ड, हाँ वो था इस गाने में। मेरे को ना इनकी एस्थेटिक वीडियोग्राफी जो इन्होंने बनाई है ना, वो वीडियो की क्वालिटी वो बहुत सही थी। इसमें जो इसकी ड्रेसेस वगैरह जो ऐसे इनके वो लिए गए हैं, शॉट्स लिए हैं, कैमरा एंगल के जो शॉट्स हैं वो बहुत जबरदस्त थे। अलग ही लेवल की वीडियो है, अलग ही लेवल की एडिटिंग है और नहीं वो तो जो इन्होंने म्यूजिक तो है ही है, म्यूजिक तो है ही है और खासकर वो जो ड्रॉप के बाद जो कंटिन्यूसली इतनी लंबी एक मिनट तक जो लाइनें बोल रहे हैं भाई, वो दिखता है सामने दिखता है, हम लिख रहे बैठे ना हमसे एक लाइन नहीं लिखी जाती कलम उस बंदे ने, इसकी कलम ना, इसकी कलम बहुत सही है इसकी, जो ये वर्ड्स लिखता था जो अपने गानों के थ्रू मैसेज देता था, कलम सही है भाई, कलम को पकड़ने वाला बंदा सही था। सही बात है, सही बात, और टैलेंट तो है यार। हमने बड़ी कीमती इंसान को खोया यार, हमने सच में, सच बता रहा हूं, और ये ऐसा बंदा जो हर किसी से खड़े होने वाला बंदा था, तो अपना सपना रह गया, सपना ही रह गया, मिलने का सपना था वो सपना का सपना ही रह गया। जाएंगे एक बार कहीं घूमते जाएंगे उनके उधर घर यार, क्या क्या जाएंगे यार, अगर मतलब अगर माँ बाप से कोई फैन मिलता होगा तो माँ बाप को उल्टा और दुख होता होगा, आपको। और अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर न्यू हो तो, और इसे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।